सुप्रभात प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यालय द्वारा चलाई जा रही इन कक्षाओं के माध्यम से आप सभी अपने विषय एवं पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त करते हुए विषयवार अपने पाठों का पूर्णतया मनोयोग से अध्ययन करिए। मैं आपकी कक्षा 12 अंग्रेजी माध्यम की सामान्य हिंदी विषय की अध्यापिका आराधना आपको विषय सूची का संक्षिप्त परिचय बताते हुए काव्यखंड का पाठ 1 जिसका नाम पवन दूतिका है पढ़ाऊंगी। इस विषय के अंतर्गत आप लोग गद्यखंड, काव्यखंड, कथा साहित्य, संस्कृत खंड, काव्य सौंदर्य के तत्व तथा हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आइए अब मैं काव्यखंड के प्रथम पाठ पवन दूतिका के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का जीवन परिचय बताती हूँ। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित भी करिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें बीच में ही अपना विद्यालयी अध्ययन छोड़ देना पड़ा। तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। कुछ वर्ष तक इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापन कार्य किया। बाद में 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करके हरिओ जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। हरिओ जी के जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा। इनका जीवन सरल, विचार उदार और लक्ष्य महान था। सन 1947 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर हरिओ जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। हरिओ जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: नाटक प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय, उपन्यास हरिओ जी का प्रथम उपन्यास प्रेम कांता है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखुला फूल प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। काव्य ग्रंथ वस्तुतः हरिओ जी की प्रतिभा का विकास एक कवि के रूप में हुआ। इन्होंने 15 से अधिक छोटे बड़े काव्यों की रचना की। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: प्री प्रवास, यह विप्रलम्भ सिंगार पर आधारित महाकाव्य है। इसके नायक व नायिका शुद्ध मानव रूप में सामने आए हैं। नायक श्री कृष्ण लोक संरक्षण तथा विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण मनुष्य हैं। रस कलश,
इसमें हरिओ जी की आरंभिक स्फुट कविताएं संकलित हैं। ये कविताएं श्रृंगार प्रधान हैं तथा काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए लिखी गई हैं। चोखे चौपदे तथा चुभते चौपदे, इनमें खड़ी बोली पर आधारित मुहावरों का सौंदर्य दर्शनीय है। इन मुहावरों में लौकिक जगत की झलक का अभाव है। वैदेही वनवास, यह प्रबंध काव्य है। आकार की दृष्टि से यह ग्रंथ छोटा नहीं है, किंतु इसमें प्री प्रवास जैसे काव्यत्व का अभाव है। पारिजात, यह इनके स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। ये पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। रसकलश इसका सुंदर उदाहरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु इन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए। वर्ण विषय की विविधता हरिओ जी की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि इनके काव्यवृत्त में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन, प्रीप्रवास, वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में होते हैं। ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते थे। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण, राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जन नायक और जन सेवक हैं। प्रकृति के विभिन्न रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरिओ जी की अनन्य विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जा सकता है। काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा शैली, छंद एवं अलंकारों की दृष्टि से हरिओ जी की काव्य साधना महान है। हरिओ जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि थे। करुण रस की ये प्रधान थे और करुण रस को ये प्रधान मानते थे और उनकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। वात्सल्य और विप्रलम्ब श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रीप्रवास में यथेष्ट हैं। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। भाषा की जैसी विविधता हरिओ जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं है। इन्होंने खड़ी बोली व ब्रजभाषा दोनों में ही सरल से सरल तथा जटिल से जटिल भाषा में अपने काव्य की रचना की तथा भाव एवं भाषा दोनों ही क्षेत्रों में विलक्षण प्रयोग किए। इन्होंने
कोमलकांत पदावली युक्त ब्रजभाषा चौखे चौपदे और चुभते चौपदे में पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त की है। आचार्य शुक्ल ने इसलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की हैं। इतिवृत्तात्मक एवं मुहावरेदार संस्कृत शब्दावली से युक्त चमत्कारपूर्ण सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से इन्होंने सफल प्रयोग भी किया है। अलंकारों के सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत के छंदों को अपनाया है। कवित, सवैया, छप्पय, दोहा आदि इनके पुराने प्रिय छंद हैं और इंद्रवज्रा, शार्दूल विक्रीड, शिखरणी, मालिनी, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित आदि संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थित कर दिया। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। अपने जीवन काल में ये अनेक साहित्यिक सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। हरिओत जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निसंदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति हैं। इन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि माना जाता है। इस प्रकार आपका यह जीवन परिचय पूर्ण हुआ। अब इस पाठ की व्याख्या अगले अंक में मैं बताऊंगी।